गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एमिनो एसिड में। आज आप लोगों को ग्लाइसिन की प्रिपरेशन मेथड के बारे में बताएंगे। तो देखिए, पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि एमिनो एसिड क्या होते हैं। तो एमिनो एसिड वे होते हैं जिसमें NH2 एवं COOH ग्रुप प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एमिनो एसिड। वो कहलाते हैं एमिनो एसिड। और ये डेरिवेट होते हैं किसके, फैटी एसिड के, पहले आप लोगों को बता चुके हैं। तो देखिए, इसको किस तरीके से बनाते हैं। सबसे पहले बनाते हैं इसको किससे, प्रोटीन से, फ्रॉम प्रोटीन। तो देखिए, प्रोटीन से किस तरीके से बनाते हैं। तो यहां पर हमने प्रोटीन का मिक्सचर लिया है, प्रोटीन का मिक्सचर लिया है। जब हमने इसका हाइड्रोलिसिस कराया, हमने इस तरीके से लिख लिया है। ये देखिए, एंजाइम भी कुछ भी ले सकते हैं इसमें, एक प्रकार से कहा जाए अम्ल क्षार भी ले सकते हैं। तो देखिए, जब हमने इसका जल अपघटन कराया तो हमें मिक्सचर प्राप्त हो गया किसका, एमिनो एसिड का। ये देखिए, मिक्सचर ऑफ एमिनो एसिड प्राप्त हो गया हमें, किससे, किसके थ्रू हो गया प्राप्त, वो प्रोटीन के थ्रू हमने प्राप्त कर लिया एमिनो एसिड। अब देखिए दूसरा मेथड, इसको किस तरीके से बनाते हैं। इसको बनाते हैं किससे, फ्रॉम रिडक्शन ऑफ नाइट्रो एंड साइनो एसिड। अब आप लोगों को बताते हैं ये नाइट्रो एसिड होता क्या है। एस्टिक एसिड आप लोगों ने पढ़ा होगा, CH3COOH होता है। तो देखिए, नाइट्रो एस्टिक एसिड का फॉर्मूला होता है, ये देखिए NO2 होता है, और जब कोई ग्रुप जुड़ता है तो यहाँ से हाइड्रोजन हो जाएगा ना कम, ये तो CH2 ही रह जाएगा, CH2COOH। तो देखिए, हमने नाइट्रो ग्रुप जोड़ दिया है तो इसका नाम हो जाएगा क्या, नाइट्रो एस्टिक एसिड। तो देखिए, जब हमने इसका वो कराया रिडक्शन, और जो रिडक्शन की प्रोसेस होती है वो कराई जाती है जिंक और HCl की प्रेजेंस में, तो आप लोग यहाँ पर देखिए NH2 ग्रुप आकर कनेक्ट हो जाएगा। ये देखिए ग्लाइसिन बन गया, ये देखिए ग्लाइसिन बन गया, और H2O हो गया क्या रिलीज। यहाँ पर जो हाइड्रोजन होते हैं वो 6 लेते हैं, और यहाँ पर 2H2 रिएक्शन भी देख सकते हैं, पूरी तरीके से बैलेंस से फॉर्मेशन हो जाता है किसका, ग्लाइसिन का। देखिए, इसी प्रकार से ये साइनो एस्टिक एसिड होता है, इसका फॉर्मूला इसमें कुछ नहीं है, साइनाइड ग्रुप जोड़ दो और पूरा वही लिख दो, CH2COOH। तो देखिए, जब हमने इसका वो कराया रिडक्शन, ये देखिए हमने जब इसका रिडक्शन कराया किसकी प्रेजेंस में कराया, जिंक और HCl की प्रेजेंस में हमने रिडक्शन कराया, तो देखिए यहाँ से क्या बन जाती है, ग्लाइसिन बन जाती है NH2CH2COOH। ये देखिए क्या बन गई, ग्लाइसिन बन गई। और देखिए यहाँ से हाइड्रोजन लग जाएंगे 4, तो किसका फॉर्मेशन हो गया, ग्लाइसिन का फॉर्मेशन हो गया है। अब देखिए तीसरा मेथड किसके थ्रू बना लेंगे हम लोग, बना लेंगे किसके, फ्रॉम एस्टिक एसिड के थ्रू। एस्टिक एसिड के थ्रू भी बना सकते हो। तो देखिए किस तरीके से बनाते हैं एस्टिक एसिड के थ्रू। तो देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर एस्टिक एसिड लिया है, ये देखिए हमने एस्टिक एसिड लिया है, और रिएक्शन करा दी है इसकी किससे, अमोनिया के साथ रिएक्शन करा दी है। तो अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे तो NH2 ग्रुप आकर आगे कनेक्ट हो जाएगा, तो देखिए क्या बन जाएगा, NH2CH2 हो जाएगा ना, कोई ग्रुप जुड़ेगा, और COOH, और एक हाइड्रोजन शेष रह जाएगा, उसको इस तरीके से लिख देंगे, या कह सकते हैं कि NH2 ग्रुप आकर जुड़ गया है और हाइड्रोजन हो गया है रिलीज। तो देखिए इस तरीके से बनाते हैं, ये हमने बना ली क्या, ये हमने फॉर्मेशन कर लिया ग्लाइसिन का। तो देखिए इस तरीके से बनाते हैं, इसको अच्छे से क्लियर करें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कल आप लोग इसकी कराएंगे केमिकल रिएक्शन, तब तक के लिए गुड बाय।